अगर हमारे पास दुश्मन है तो इसका मतलब हम कभी ना कभी खुद के लिए खड़े हुए थे। वी हैव एनिमीज बिकॉज वी स्टूड फॉर ourselves। और सबसे बड़े दुश्मन इंसान नहीं, हमारे हालात होते हैं, जो कंडीशंस हम अपने चारों तरफ तैयार कर लेते हैं। वही कंडीशंस या तो हमें आगे बढ़ाती हैं या हमें रोक लेती हैं। और कंडीशंस, हालात या परिस्थितियां रातों रात नहीं बदली जाती। सबसे पहले हमें बदलाव अपने ही अंदर लाना है। जो सुनने में बोलने में बहुत आसान है, मगर जब इसको करने चलते हैं तब हमारे पेशेंस का असली टेस्ट होता है। इफ यू वॉन्ट चेंज देन स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ। जैसे सफाई हमारे घर से शुरू होती है, ये चेंज भी खुद ही से शुरू होता है। सॉरी टू से दिस, मगर कितने लोग आपको वो करने के लिए कहते हैं जो आपको करना चाहिए। पहली कमी तो उस आवाज की है जो हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहे। और अगर वो आवाज हमारे आसपास नहीं है तो उसे हमें अपने अंदर से खुद निकालना पड़ेगा। जो सही है, जो जरूरी है, उसी को सबसे पहले करने के लिए हमें ही खुद को उठाना पड़ेगा। कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी लेके पैदा नहीं हुए हम। जैसे हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं, एक रात एक दिन मिलता है, ठीक वैसे ही हमें एक दिन में लिमिटेड एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी को वेस्ट करने का या यूज करने का हमारे पास ऑप्शन हमेशा रहता है। जैसे जैसे दिन ढलता चला जाता है, हमारी ऊर्जा भी ढलती चली जाती है। अब देखना यह है कि हमारी एग्जिस्टिंग कंडीशंस कैसी हैं। अगर इस एनर्जी को यूज करने का हमने एक सही पैटर्न बना लिया है, इस एनर्जी का एक एक कतरा अगर हमें आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है, तो हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ चलते जाना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो पहले हमें अपनी इन कंडीशंस को ठीक करना होगा। और कंडीशंस कोई मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है। जिम को बदलने से कुछ नहीं होगा, नया टेबल नई कुर्सी लाने से कुछ नहीं होगा, ना ही नया साबुन और ना ही नया परफ्यूम। हमें अगर कुछ नया चाहिए तो वो हम खुद हैं। और खुद को बदलना एक्सपायर्ड ब्रेड के पैकेट को बदलने जैसा तो है नहीं कि भैया गलत आ गया है, चेंज कर दो। जैसे कुएं की रस्सी पत्थर को धीरे धीरे काट देती है, ठीक वैसे ही कंसिस्टेंसी हमारी खराब कंडीशंस को सुधार देती है। दुश्मन हमसे बाहर नहीं है, वो ठीक हमारे अंदर बैठा है। और हमारा काम है उसको निरंतर ये बताते रहना कि हम सोए हुए नहीं हैं। 24/7 365 हमारी नजर लगातार उस बॉर्डर पे है। और अगर दुश्मन क्रॉस करने का ट्राई करता है तो वो उसका लास्ट एंड फाइनल ट्राई होगा। जैसे जैसे गेम सीरियस होता जाता है, वैसे वैसे हमें अपने एफर्ट्स बढ़ाते चले जाने चाहिए। कुछ पा लेना और पाने का रीजन होना चाहिए, ना कि आराम से पड़ जाने का। ठहरे हुए पानी में गंदगी पनपती है और बहता हुआ पानी न जाने कितनों की प्यास बुझाता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आराम,
और स्पेशली तब जब हथौड़ा गर्म हो। ज्यादातर ना पहुंचने वाले सिर्फ आखिरी कदम उठाने से ही चूक जाते हैं। जब सिर्फ आराम फरमाना हमारी फितरत बन जाती है, तब वो मंजिल करीब आने पर भी हमें अपनाने से इनकार कर देती है। और इसीलिए चलते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी टैलेंट को किसी भी दिन हरा सकते हैं। अकेला टैलेंट बोर हो जाता है, कुछ देर खेल खाल के वो थक के बैठ जाता है। हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी के साथ ही ये पूरा भयानक मंजर पार किया जा सकता है। मैं कितनी दूर कितनी ऊपर जा सकता हूं, ये अकेला मेरा टैलेंट नहीं, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी को यूज करने का टैलेंट डिसाइड करेगा। कंडीशंस कैसी भी हों, पर वो हैं तो हमारी, तो उन्हें बदलने का अधिकार भी तो हमारा ही होना चाहिए। और अगर दुश्मन हमारे अंदर है, तो हमारा दोस्त भी तो हमारे ही अंदर बैठा है। खुद को बेटर करना हमारी ड्यूटी है, और इस ड्यूटी को पूरा ना करना सिर्फ और सिर्फ उस दुश्मन की मदद करना है, जो बस एक मौके की ताड़ में कब से बैठा है। किसी और के समझाने से पहले हमें खुद को समझाना होगा कि कौन सी चीजें हमारे लिए सही हैं और कौन सी नहीं। एक मुकाम हासिल करने के बाद कितनी देर तक मुझे बैठे रहना है, और कितनी जल्दी मुझे दूसरे मुकाम की तरफ चल देना चाहिए। जो कंडीशंस हम अपने चारों तरफ तैयार कर लेते हैं, वही कंडीशंस या तो हमें आगे बढ़ाती हैं या हमें रोक लेती हैं। और कंडीशंस, हालात या परिस्थितियां रातों रात नहीं बदली जाती। सबसे पहले हमें बदलाव अपने ही अंदर लाना है। जो सुनने में बोलने में बहुत आसान है, मगर जब इसको करने चलते हैं तब हमारे पेशेंस का असली टेस्ट होता है। इफ यू वॉन्ट चेंज देन स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ। जैसे सफाई हमारे घर से शुरू होती है, ये चेंज भी खुद ही से शुरू होता है। सॉरी टू से दिस, मगर कितने लोग आपको वो करने के लिए कहते हैं जो आपको करना चाहिए। पहली कमी तो उस आवाज की है जो हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहे। और अगर वो आवाज हमारे आसपास नहीं है, तो उसे हमें अपने अंदर से खुद निकालना पड़ेगा। जो सही है, जो जरूरी है, उस ही को सबसे पहले करने के लिए हमें ही खुद को उठाना पड़ेगा। कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी लेके पैदा नहीं हुए हम। जैसे हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं, एक रात एक दिन मिलता है, ठीक वैसे ही हमें एक दिन में लिमिटेड एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी को वेस्ट करने का या यूज करने का हमारे पास ऑप्शन हमेशा रहता है। जैसे जैसे दिन ढलता चला जाता है, हमारी ऊर्जा भी ढलती चली जाती है। अब देखना यह है कि हमारी एग्जिस्टिंग कंडीशंस कैसी हैं। अगर इस एनर्जी को यूज करने का हमने एक सही पैटर्न बना लिया है, इस एनर्जी का एक एक कतरा अगर हमें आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है, तो हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ चलते जाना है। लेकिन अगर ऐसा